गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रश्नावली 5 का 6 तक हुआ था, 7 से हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। 7 क्वेश्चन नंबर कहता है कि एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 में यदि x माइनस 2 से भाग दिया जाए, इससे भाग देना है तो शेषफल क्या होगा। आपको पता है कि यदि x माइनस 2 से भागा दिया, यानी कि x बराबर 2 पुट करेंगे, इतना बराबर एक जब देता है ना, x माइनस 2 से भाग देना है तो x माइनस 2 बराबर 0 ले लेना है, और अगर 0 लेंगे तो x बराबर 2 हो जाएगा। यानी 2 पुट करने पर ये कटता है, अगर इससे भाग लग जाता है पूर्णतः, तो इतना बराबर 0 आ जाएगा, है ना। तो इसको मैं पुट कर देंगे, 2 का पावर 3 प्लस 2 इंटू 2 का पावर स्क्वायर प्लस प्लस 5 इंटू 2 माइनस 3, ये 8 हो गया, ये भी 8 हो गया, ये 10 हो गया और ये माइनस 3 हो गया। तो 8 8 16 10 26, 26 में से 3 जाएगा 23। तो इसका जो शेषफल होगा वो 23 होगा। अगर मान लीजिए कि ये कट जाता, अगर इससे बोलता कट जाता है तो इतना बराबर 0 आता, और अगर शेषफल पूछता है तब भी यही रखना है, डिविजिबल है कि नहीं है ये देखना है, तब भी यही रखना है। डिविजिबल होता तो यहाँ 0 आता, जो बचेगा पुट करने के बाद वही शेषफल आपको चैप्टर में करवाया गया। ये प्रश्न संख्या था प्रश्नावली 50 का 7 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। 7 के बाद देखिएगा 8। एक्सरसाइज 50 देख रहे हैं और उसका 7वां देखे हैं हम लोग, अब हम देखेंगे 8। 8 क्वेश्चन नंबर कहता है कि 3x³ प्लस 5x² माइनस 4x प्लस 7 में x प्लस 2 से भाग देने पर, तो फिर मैं क्या करूँगा, x माइनस x प्लस 2 बराबर 0 ले लूँगा तो x बराबर माइनस 2 हो जाएगा, पुट कर दूंगा इसमें, 3 इंटू माइनस 2 का होल क्यूब प्लस 5 इंटू माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस 4 इंटू माइनस 2 और प्लस 7, जो आएगा सक्सेसफुल हो जाएगा, है ना। 2 दुनी 4 दुनी 8 माइनस 8 3 की 24 और ये 2 दुना 4 पंचम का 20 और 4 दुनी 8 प्लस 8 प्लस 7। तो आप देख पा रहे होंगे कि 20 4 हो गया, 4 माइनस जाएगा तो ये 4 बच जाएगा, 7 4 11 आता होगा ये। तो इस तरह से आपको सवाल 8 भी है, 9 भी है, 7 भी है, मैं एक 10 की बात करता हूँ, ठीक है। इसी तरह का सब है आपको 9 तक, तो 10 का देख लेते हैं। 10 प्रश्न संख्या है कि यदि 2x² प्लस px माइनस 7 का एक गुणनखंड x प्लस 3 है, एक गुणनखंड है ये वाला, ये गुणनखंड है, गुणनखंड का मतलब इसके टेबल में ये वाला आएगा, पहाड़ा में आएगा, पहाड़ा में आने का मतलब इससे ही जरूर कटेगा, गुणनखंड कह रहा है। और जब कटता है तो p का मान क्या है, और कटेगा इसका मतलब कि जब हम पुट करेंगे x प्लस 3 बराबर 0 यानी कि x बराबर माइनस 3 पुट करेंगे तो जो पुट करके रिजल्ट आना चाहिए वो 0 के बराबर आना चाहिए, सही है। अब जानते हैं ना, इसमें अगर कटता है तो इसको 0 के बराबर आना चाहिए शेषफल। अब मैं देखता हूँ क्या आता है, सो माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस पी इंटू माइनस 3 और माइनस 7, यही है ना, माइनस 7 यही है, इतना बराबर 0 आना चाहिए, इसलिए मैं 0 लिख दिया। क्यों 0 आना चाहिए, कहा कि गुणनखंड है, गुणनखंड है तो गुणनखंड है, देख लीजिएगा, गुणनखंड है तो गुणनखंड होना है, इसका मतलब इससे कट जाएगा, और कट जाएगा तो यहाँ पर 0 रहना चाहिए। अब केयर की जगह 3 दिया, 9 दुनी 18 हो जाएगा और माइनस यहाँ पर 3 5 पी हो जाएगा और माइनस 7 बराबर 0 है, तो 18 में से 7 जाएगा आपको 11 आएगा, यानी माइनस 3 पी बराबर माइनस 11 और पी बराबर 11/3। तो ये है आपका आंसर प्रश्न संख्या 10 का। तो ऐसे भी देखना है, कई बार मान लो कह देगा कि कटता है और पी क्यू ऐसे दे देगा, तो इस तरह से भी सवाल आपको समझना चाहिए। हाल आई होप कि ये सब बन गया हो। प्रश्न संख्या 11 देखिए, उसी टाइप का है लेकिन थोड़ा सा बेहतर किया है। 11 क्वेश्चन है कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 3x² यहाँ पर क्यूब होना चाहिए, एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 8x प्लस बी में भागा देना है x प्लस 2 से और x माइनस 2 से, और
ये व्यंजक इतना से पूर्णता विभाजित है, ये दोनों से पूर्णता विभाजित, इतना तथा इतना व इतना से दोनों से विभाजित है, ठीक है। और यदि विभाजित है तो क्या होगा, x बराबर माइनस टू एक बार और x बराबर टू, ये कैसे आया, इतना बराबर जीरो लेंगे ना, तो ये पुट करने पर क्या आ जाना चाहिए, ये वाला जीरो आना चाहिए, इसका इससे डिविजिबल है ना, तो x बराबर माइनस टू और x बराबर टू पुट करने पर ये वाला जीरो आना चाहिए। पुट करके देखता हूँ, a इंटू माइनस टू का होल क्यूब प्लस थ्री इंटू माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस एट इंटू माइनस टू और प्लस एट बी, ये देखो दुदुना चार दुना आठ माइनस आठ है प्लस छः और प्लस आठ दुनी सोलह प्लस बी बराबर जीरो, हाँ यहाँ पर जीरो क्योंकि ये इससे कट रहा था ना, तो इसलिए इतना बराबर पुट करने पर जीरो आना चाहिए। अब आप देख पाते होंगे कि माइनस एट ए और सोलह छः बाईस प्लस बी बराबर माइनस बाईस है ना, या फिर एट ए माइनस बी बराबर प्लस बाईस, यही आता होगा, कहीं कुछ गलत है तो देख लीजिएगा एक बार, ठीक है सही है। अब मैं x बराबर टू पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा, x बराबर टू पुट करूँगा तो ए गुने दो के पावर तीन प्लस थ्री गुने दो के पावर दो माइनस एट गुने टू प्लस बी बराबर जीरो, ये ना, और इसको मैं देखूँगा लिखूँगा तो क्या आ जाएगा, आठ है आठ है दुदनी चारतिया बारह प्लस बारह है ना, ओ सॉरी यहाँ पर कितना था, दुदनी चारतिया बारह ना जी, आठ दुनी सोलह तो बारह और सोलह, बारह और सोलह कितना, देखो यही से ध्यान देना, ये ट्वेंटी एट और ये भी ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी एट माइनस ट्वेंटी एट और इधर ट्वेंटी एट, ठीक है, हाँ माइनस कॉमन ले लिया ना, दोनों तरफ काट दिए माइनस ट्वेंटी एट आ गया ये। अब यहाँ देखिएगा ये 12 आया और आठ दुनी सोलह, बारह माइनस सोलह और प्लस बी बराबर जीरो है, ये आप देखिएगा तो एट ए प्लस बी बराबर माइनस चार था तो इधर चार आ रहा होगा, ठीक है ना, ऐसा आ गया कुछ, यानी पहला इक्वेशन कुछ ऐसा आ गया, मतलब ये पुट कर देना है जी, और पुट करने के बाद दो इक्वेशन आ जाना है और दोनों इक्वेशन को सोल्व करके आपको लिख देना है आंसर, ठीक है ना, यही था इसमें, कुछ अलग नहीं था। मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ, देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, दो इक्वेशन आ गए कौन कौन, माइनस एट ए प्लस बी बराबर अट्ठाईस, सॉरी एट ए माइनस बी बराबर अट्ठाईस पहला, और दूसरा इक्वेशन एट ए प्लस बी बराबर फोर, दोनों को जोड़ूंगा तो अट्ठाईस और चार बत्तीस, एट ए बराबर सोलह ए बराबर बत्तीस, तो ए बराबर टू आ जाता होगा है ना, ए बराबर टू आ जाएगा तो बी बराबर आराम से निकाल लेंगे, ए बराबर टू आ गया तो बी बराबर कितना हो जाएगा, आठ दुनी सोलह, सोलह घटेगा आठ दुनी सोलह घटेगा तो माइनस बारह बचेगा और माइनस बारह बचेगा तो माइनस बारह आंसर हो जाएगा। सो कहने का मतलब यही था कि ए बराबर टू और बी बराबर माइनस बारह होगा, ऐसे सवालों को पहले दो इक्वेशन से निकाल लेना दोनों इक्वेशन और उसके बाद से पुट कर देना है वैल्यू और सॉल्व कर देना है। ये था प्रश्न संख्या आपको 11, 11 के बाद देखिए 12, 12 में भी कुछ वैसा ही सवाल है, इसको आप कर लेना चाहिए आपको, कहता है ना कि जब, बढ़िया सवाल ये देखिए, जब एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स में से q घटाएंगे, q को x स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री सॉरी माइनस थ्री से भाग देंगे तो शेष यानी कि भाजक है, ये भाजक जिसको इंग्लिश में बोलेंगे डिवाइजर, ये भाजक है इससे भाग देंगे तो रिमाइंडर यानी कि शेषफल क्या बचेगा भाई, तो शेषफल बचेगा x माइनस सिक्स, ये शेषफल बचेगा। सवाल इसका क्या है, इसका सवाल है तो बताइए कि p और q का मान क्या होगा भाई, इसमें भागा देना है, ये भाज्य है,
डिविडेंड जिसको बोलते हैं। तो मुझे पता है कि अगर इससे भाग देना है तो इसको तोड़ेंगे तो पता है ये क्या मिलेगा, तोड़ के देखिएगा तो ये एक्स स्क्वायर माइनस, देखो मैं तोड़ देता हूँ इसको, जरा सा लिखता हूँ ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स माइनस थ्री, ऐसा तोड़ सकता हूँ क्या? और तोड़ूंगा तो एक्स इंटू एक्स माइनस थ्री और प्लस वन इंटू एक्स माइनस थ्री ये मिल जाएगा, यानी कि ये तोड़कर मिल रहा है हमको एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस थ्री, यानी कि यही पुट करना है और शेषफल आना चाहिए वो। मेरा शेषफल दे रखा है, पुट किस में करना है? इसमें करना है, ठीक है ना, इसमें पुट करना है। तो मैं सबसे पहला पुट क्या करूँगा, एक्स बराबर माइनस वन, तो एक्स बराबर माइनस वन लूँगा तो देखिए क्या हो, यह माइनस वन का होल क्यूब हो जाएगा, माइनस टू इंटू माइनस वन का होल स्क्वायर, समझ रहे ना, ये वाला मैं पुट कर रहा हूँ। अब माइनस वन क्यों पुट रहा हूँ, चूंकि एक्स प्लस वन बराबर जीरो होगा तो एक्स बराबर माइनस वन हो जाएगा, है ना, इसलिए कर रहा हूँ। प्लस पी इंटू माइनस वन और माइनस क्यू, बराबर में जीरो नहीं लिखेंगे साहब, एक्स माइनस सिक्स है, यहाँ पर एक्स माइनस सिक्स है, एक्स माइनस सिक्स, तो एक्स बराबर कितना ले लेंगे हम, माइनस वन, यही करना होगा आपको। इसको सॉल्व कीजिएगा तो यह आ जाएगा वन माइनस वन और माइनस टू और माइनस पी माइनस क्यू बराबर माइनस सेवन, दो और एक तीन, तो माइनस पी माइनस क्यू बराबर माइनस चार, ये तीन जाएगा प्लस हो जाएगा तो माइनस चार हो जाएगा, और इस तरह से यहीं पर लिख देता हूँ मैं, चूँकि नीचे मिल बनाना हो, इतना बराबर होगा माइनस पी माइनस क्यू बराबर हो जाएगा माइनस चार और पी प्लस क्यू बराबर होगा, यानी कि पी प्लस क्यू बराबर होगा क्या, पी प्लस क्यू बराबर प्लस चार, ठीक है। अगर मैं इसी में देखूं एक्स बराबर थ्री पुट करूं, जब भाई मैं यहां पर देखिए ये वाला है ना, तो एक्स माइनस थ्री है तो इसको एक्स प्लस थ्री, शेषफल के जगह पर ये है ना तो वही रखेंगे लेकिन उसमें एक्स का मान रख देंगे, ठीक है, थ्री। अब थ्री ले रहे हैं तो यहाँ पर देखो तीन का क्यूब माइनस टू इंटू तीन का स्क्वायर प्लस पी इंटू टू थ्री, टू इंटू थ्री का स्क्वायर प्लस पी इंटू थ्री माइनस क्यू बराबर थ्री माइनस सिक्स, समझ रहे हैं थ्री माइनस सिक्स क्यों, क्योंकि शेषफल तो ये लिखना था, बराबर में शेषफल लिखते हैं जी, कट जाता तो जीरो लिखते हैं लेकिन यहाँ पर शेषफल एक्स माइनस थ्री आ रहा है, सिक्स आ रहा था और एक्स बराबर थ्री दिया हुआ था तो थ्री माइनस सिक्स लिखे, समझ पा रहे हैं जी बात। तीन तीय नौतियाँ ये सत्ताईस, माइनस तीन तीय नौ दुना अट्ठारह, प्लस थ्री पी माइनस क्यू बराबर माइनस थ्री। अब अट्ठारह सत्ताईस में से अठारह गया नौ और नौ उधर जाएगा तो नौ तीन बारह, यानी कि रिजल्ट आ जा रहा होगा ऐसा, थ्री पी माइनस क्यू बराबर माइनस, ये पॉजिटिव में आएगा तो माइनस बारह हो जाएगा, ये नौ आ जाएगा ना इधर तो माइनस बारह हो जाएगा, देख लीजिएगा एक बार कैलकुलेशन, मेरे समझ से यही होना चाहिए। अब ये इतना करने के बाद, इतना करने के बाद बाबू क्या करना है आपको, इतना करने के बाद इसको कर देंगे हम थोड़ा साइड में और इसको देखेंगे हम और भी, ये समझ पा रहे हैं बात। अब देखो ये क्या है, मेरा दो इक्वेशन निकल गया, पहला इक्वेशन निकल गया पी प्लस, पहला इक्वेशन निकल गया पी प्लस क्यू बराबर चार और दूसरा इक्वेशन निकल गया थ्री पी माइनस क्यू बराबर माइनस बारह। अब सॉल्व करेंगे तो देखिएगा ये फोर पी बराबर हो जाएगा आपका माइनस आठ, नहीं फोर पी बराबर माइनस आठ तो पी बराबर आपको दिख रहा होगा, पी बराबर आपको दिख रहा होगा सर माइनस टू, पी बराबर माइनस टू और जब पी बराबर माइनस टू ले लेंगे, पी बराबर माइनस टू तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, देखो इसमें पी बराबर माइनस टू ले लेंगे तो सिक्स हो जाएगा क्यू बराबर, तो यही था पी और क्यू का आंसर। लेकिन इस तरह से जाना है ये सवाल आपको, मुझे समझाने में इतना वक्त लगा लेकिन आप बनाएंगे तो आसानी से बना लेंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या हम देखेंगे तेरह के, तेरह क्वेश्चन नंबर देखिएगा, ठीक है, थर्टीन, तेरह क्वेश्चन नंबर, तेरह क्वेश्चन है कि एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स, एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस डेल्टा, ऐसा कुछ दे रखा है, व्यंजक एक्स माइनस टू से विभाजित है, तो
इसका बराबर क्या है, तो आसानी से निकल जाएगा, टू पुट कर देंगे आ जाएगा, है ना जी, इतना से विभाजित है, इससे विभाजित है जी, तो क्या x बराबर क्या पुट करेंगे आप, वहाँ x माइनस टू बराबर जीरो यानी कि x बराबर टू पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा आठ, ये हो जाएगा चार और माइनस दस और प्लस लैम्डा बराबर जीरो हो जाएगा, तो आठ चार बारह में से दस गया दो यानी कि लैम्डा बराबर माइनस टू हो जाएगा, यही तो आसान तो था तेरह वाला, तो आप ये समझ रहे होंगे बात को, तेरह वाला आसान था, चौदह वाला भी वैसा ही है। पंद्रह का देखता हूँ मैं, ठीक है, पंद्रह में सवाल है कि जब बहुपद, एक बहुपद है पॉलीनोमियल है, मैं पॉलीनोमियल को लिखता हूँ कि बहुपद क्या है, बहुपद मतलब पॉलीनोमियल, क्या लिखता हूँ मैं, चौदह वैसा ही था पंद्रह देख रहा हूँ। एक बहुपद ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स स्क्वायर एक्स क्यू होगा ऐसा, प्लस डॉट 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 लास्ट में कहता है कि ए के ए एन एक्स के पावर एन, यह ऐसा है, में भागा दिया जा रहा है में एक्स माइनस वन से, देखिए कहता है कि यदि शेषफल एक आता है, ये भाग देखो ये है आपका क्या, ये भाज्य है, भाज्य है यानी कि डिविडेंट है, और जिसे मतलब जिसमें भाग देना है, और भाजक कौन सा है यानी डिवाइजर, डिवाइजर है एक्स माइनस वन, इससे भाग दिया जाता है, तो शेषफल क्या है, शेष क्या है यानी कि रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर आपका है, रिमाइंडर आ जाता है कौन सा, वन, शुरू में दे रखा है शेषफल वन है, इस व्यंजक में इससे भागा देते हैं, तो कौन सही है, ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं बहुत सारे, तो मैं ऑप्शनों में से चुन लूँगा, पहले इसको बना लूँ, ये देखिए ये ऐसा है, ये बात तो तय हुआ ना कि रिमाइंडर अगर वन है तो ये इधर वन लिख दूंगा, और x माइनस वन से भागा दिया जा रहा है तो x बराबर क्या पुट करूँगा मैं, आप ही बताओ x बराबर वन पुट करूँगा कि नहीं पुट करूँगा, और जब वन पुट करूँगा तो इसमें क्या हो जाएगा रिजल्ट, ए जीरो प्लस ए वन, एक्स का वैल्यू वन हो गया तो एक्स स्क्वायर भी करेंगे तो वन ही होगा, तो ए टू ए प्लस ए थ्री प्लस डॉट 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 प्लस ए एन, लास्ट में एन होगा, ऐसे होगा, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सा आंसर ऐसे नहीं दिया है, मैं आपको अरेंज कर देता हूँ आंसर कैसे दिया है, सो ये क्या किया कि ए वन को इधर ही रखा, ए थ्री को इधर ही रखा, और इसी तरह से अगला ए फाइव रहा होगा, ऑड वाला को इधर रखा जिसका ए फाइव ए थ्री ऐसा, और फिर बाकी को उधर भेज दिया, यानी कि वन माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर ए जीरो माइनस ए टू माइनस ए फोर ऐसा वाला रहा होगा, तो ऐसे ही था, तो जो इस तरह वाला आंसर है वही इसका सही आंसर होगा, और इसीलिए आंसर हो जाता है डी, डी में भी लिखने में गलती कर दिया है, तो इस तरह का आंसर आपको हो जाएगा प्रश्न संख्या पंद्रह का, और एक लास्ट सवाल बचा है सोलह, समझे बात को, ये नहीं समझे क्या, देखिए मैं बता रहा ना कि इतना बराबर तो जीरो समझ, ये वन समझ गए, वन क्यों लिखेंगे क्योंकि रिमाइंडर है, अब मुझे एक ऑप्शन मिलाना था, तो ऑप्शन में देख रहा था कि जीरो टू और फोर है, ये वाला उधर होगा, यहाँ पर लिखा हुआ डी ऑप्शन को सुधार दीजिएगा, ऐसा आंसर होगा, और उधर भेज दिया जीरो टू फोर वाले को और ऑड वाले को इधर रख लिया, बस ऐसे करके ऑप्शन मिलाना था, यही था सवाल प्रश्न संख्या तीन, सॉरी प्रश्न संख्या कौन सा पंद्रह, और सोलह लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, ठीक है, तो एलजेब्रा हो गया आपका खत्म, लास्ट क्वेश्चन के बाद देखिएगा, एक्स प्लस वन और एक्स प्लस माइनस टू और एक्स प्लस थ्री और एक्स प्लस फोर प्लस चालीस का एक गुणनखंड कौन सा है, मतलब कि कौन यहाँ पर ऑप्शन में से है जो गुणनखंड है इसका, भाई सीधा सीधा बात करेंगे कि यदि मुझे पहला ऑप्शन चेक करना हो तो x बराबर टू पुट कर देंगे, पहला ऑप्शन टू पुट करेंगे तो ये वाला जीरो हो जाएगा और पूरा जीरो हो जाएगा, बच जाएगा चालीस, तो ये नहीं है आंसर, नहीं समझे बात को, अगर टू पुट करते हैं तो टू माइनस टू जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा तो पूरा जीरो हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन में नहीं है, कौन सा ये कौन सा ऑप्शन था, ये ऑप्शन ए था,
ए ऑप्शन में क्या था सर? ए ऑप्शन में था एक्स माइनस टू से विभाजित है, तो इससे विभाजित होता तो क्या लिखना पड़ता, एक्स बराबर टू पुट करना पड़ता, जो कि रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये जीरो प्लस चालीस यानी कि 40 आ जाएगा। तो 40 नहीं आना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये गुणनखंड होगा तो ये इससे जीरो आना चाहिए शेषफल, यानी कि यहाँ पर जीरो आना चाहिए था। अब मैं देखो बी ऑप्शन चेक करूँगा, बी एक्स माइनस थ्री है, मैं क्या करता हूँ थ्री पुट करता हूँ, तो तीन पुट करूँगा तो नहीं जीरो होगा, तो मैं देखो पुट करके देखता हूँ, तीन प्लस वन चार, देखो चार गुने वन गुने, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसमें पहले का मैं पुट किया तो थ्री प्लस वन यानी कि चार गुने गुने, इसमें देखो तीन है ना, तीन पुट कर रहा हूँ, तीन बराबर यहाँ पर पुट करना होगा, क्या पुट करना होगा, एक्स बराबर थ्री ना जी, और थ्री पुट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, सो देखिए थ्री पुट करेंगे तो रिजल्ट आएगा तीन और एक चार गुने एक गुने छः गुने सात प्लस चालीस, क्या जीरो के बराबर आएगा, नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है ये भी गलत हो गया। सी देखिएगा, सी ऑप्शन में है आपको कि एक्स माइनस फाइव, एक्स माइनस फाइव अगर इतना बराबर जीरो लेंगे इससे भाग लगना है, अगर इससे डिविजिबल है इसका मतलब कि एक्स बराबर फाइव लेकर बनाना होगा, फाइव लेंगे तो नहीं आएगा अभी, क्योंकि पाँच और एक छः गुने पाँच में से तीन दो गया तीन गुने पाँच तीन आठ गुने पाँच चार नौ प्लस चालीस, कभी भी जीरो के बराबर नहीं आएगा क्योंकि ये नेगेटिव में कोई नहीं है। तीन ऑप्शन आपके फेल हो गए हैं, तो आंसर कौन सा होगा, डी बिना बनाए मारिए, ठीक है। अब सवाल है कि सर डी को प्रूव कीजिए आप, अगर एक्स माइनस वन है तो मैं क्या करूँगा कि एक्स बराबर वन ले लूँगा, और वन लूँगा तो एक एक दो गुने माइनस वन गुने चार गुने पाँच, तो पंचम का बीस दूनी चालीस और ये प्लस चालीस है, ये जीरो आ जाएगा, यानी कि यही सही था। तो आपको तीन चेक करना होगा और इस तरह से बना लीजिए आराम से, देख लीजिए थोड़ा सा रीजनिंग लगाते तो ये पता होना चाहिए था कि ये वाला माइनस में आएगा टर्म ना, तभी जीरो होगा, माइनस में तब आएगा जब दो से छोटा कोई ऑप्शन होगा, तो दो से छोटा वाला कौन सा था, डी था, तो ऐसे ही पता लगा सकते हैं, लेकिन ये कर लीजिएगा तो ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। तो ये था अलजेब्रा के सारे सवाल, धन्यवाद। अगर किन्हीं को लगता है कहीं भी डाउट फिर से पूछिएगा, आपको कोई भी दिक्कत होता है तो व्हाट्सएप से, या व्हाट्सएप है फेसबुक है कहीं भी सवाल डाल सकते हैं आप, मैं आपको देखता हूँ। धन्यवाद।